तब बेला के। कियारा आडवाणी के लिए पिछला कुछ समय प्रोफेशनल स्तर पर काफी बेहतरीन साबित हुआ। उनकी साल 2019 में दो फिल्में हुई थी। फिल्म कबीर सिंह और गुड न्यूज में कियारा ने अपने दोनों किरदारों का अलग अलग रोल निभाया था और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। अब वो अपनी फिल्म गिल्टी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की फिल्म गिल्टी में कियारा ने मॉडर्न गर्ल का रोल निभाया है और उन्होंने हाल ही में फिल्म और अपने रोल से जुड़ी बातें शेयर की हैं। कियारा ने कहा कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो हमेशा प्रार्थना करती थी कि मैं स्टीरियोटाइप ना हो जाऊं। मैंने एक्ट्रेसेस को देखा है कि वो कैसे एक ही तरह के रोल्स इंडस्ट्री में कर रही हैं, लेकिन मुझे जो भी फिल्म्स ऑफर हुई थी वो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थी। मैं इन रोल्स के लिए स्पेशल प्रयास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे बस अलग अलग तरह के ऑफर्स के लिए अप्रोच किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं लकी हूँ कि लोगों ने मुझे एक्टर के तौर पर लिमिटेड नहीं समझा और मुझे अलग अलग तरह के रोल करने को मिले हैं। कबीर सिंह में प्रीति के किरदार के बाद मुझे लोकप्रियता मिली, लेकिन फिर गुड न्यूज आई और लोगों को एहसास हुआ कि ये पंजाबी कुड़ी की एक्टिंग भी कर सकती है। अब फिल्म गिल्टी को लेकर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा के लिए पिछला साल जबरदस्त साबित हुआ था। वो फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर के ऑपोजिट नजर आई थी। वहीं फिल्म गुड न्यूज में अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया था। वहीं कियारा इसके अलावा लक्ष्मी बोमिंदु की जवानी, भूल भुलैया 2 और शेरशाह जैसे कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। कियारा लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार के साथ, वहीं भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन के साथ काम कर रही हैं। अगर आपको बॉलीवुड से जुड़ी और बड़ी खबरें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।